अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ है। आज वैसे तो आज 26 है, लेकिन ये 25 की मैं बना रहा हूँ, और ये वीकली भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज जुम्मा है 26 अप्रैल को। तो देखें, आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इस वजह से किसी कुछ न्यूज भी आई है रीट के हवाले से, जो आईपीओ इशू कर रहा है। और यहाँ पर भी देखें तो एक ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था स्टॉक, ये देखें इसी इसकी रिस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पे इन द मिडल, यहाँ पे इस तरफ जो है, जो कि वीकली पे इसका पिविटल जो है सपोर्ट भी था 10 रुपये 69 पैसे, और इसने लो जो किया था वो तकरीबन ये 10 रुपये 36 पैसे का। इसके बाद अब इसमें अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। यहां से अगर हम देखें तो यहां से एक छोटा सा एक और चैनल बनना शुरू हुआ है अपवर्ड का। यहाँ पे मैं एक चैनल बना देता हूँ, वीकली पे देखें तो ये इसके रिस्पेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। ये एक चैनल यहां से चलना शुरू हुआ है, और यहां पर भी एक मैं बना देता हूं, ठीक है। तभी ये रिस्क के रिस्पेक्टिवली अभी परफॉर्म कर रहा है, तो ये कह सकते हैं कि काफी जो है डाउनवर्ड आने के बाद यहां से अब एक ये समझ सकते हैं कि एक बुलिश लैग है। जब तक इसके रिस्पेक्टिवली ये स्टॉक परफॉर्म करता रहेगा, तो आने वाले दिनों में ये जो है 12 रुपये 84 पैसे, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। अभी तो फिलहाल देखें यहाँ पे पिविटल रेजिस्टेंस जो है, देखिए पिविटल वीकली पिविटल सपोर्ट जो है 10.69 है, और वीकली पिविटल रेजिस्टेंस जो है वो 11 रुपये 65 पैसे है। तो देखें वीक की क्लोज, देखें अपसाइड मूवमेंट देखें यहां से शुरू करें अगर आप 25 मार्च से, ठीक है ना, 25 मार्च का जो है बना था यहाँ से, अभी जो 25 मार्च को वीक शुरू हुआ था, तो उसके देखें यहाँ पर ये 11.80 का हाई किया, फिर इसके बाद 12.06 का हाई किया और 12.24 का हाई किया। ये मैं ड्यूरिंग द वीक बता रहा हूँ, डे ऑन डे बेसिस पे हाई तो किए हैं लेकिन क्लोजिंग नीचे आ रही है। अच्छा, आज की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनना बहुत जरूरी है 11 रुपये 65 पैसे के ऊपर, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कोई बुलिश बैट कैंडल बनती है, बल्कि मैं कहूंगा कि इसका वेट करें। ये वाला मैं आपको यहाँ पे के बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा ये हटा देंगे, आ गया ये, मैं यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पे ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ठीक है ना, ये वाला लेवल टू बी ऑन द सेफ साइड। वैसे तो ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बनता है 12 रुपए के अराउंड, ठीक है, तो यहीं चले इसको, इसी को ले लेते हैं 12 रुपए, क्योंकि ये इसका नेक लाइन रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे देखें दोनों बेरिश कैंडल बनी थी, इसकी ओपनिंग प्राइस ही इसकी है, नेक लाइन रेजिस्टेंस है 12 रुपए 2 पैसे, एटलीस्ट 12 रुपए 2 पैसे के ऊपर जो है, या इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बनना, फिर इसको इसकी कंफर्मेशन होना और यहाँ सस्टेन करना, फिर अगला जो है यहाँ पर ये अगला ब्रेकआउट लेवल जो होगा वो 12 रुपए 84 पैसे का होगा। तो अभी भी इनिशियली इसको देख, अप ट्रेंड में आने के लिए ये लेवल जो है इसको क्रॉस करना विथ हैवी वॉल्यूम्स बहुत जरूरी है। और अगर इसको मैं यहाँ पे देखें, यहाँ इसकी वजह ये है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता देता हूँ, ये लोड मार्क्स करके यहाँ पे देखें इसका, ये यहाँ पे लॉस आया था तकरीबन क्वार्टरली में 2.39, ये हाफ ईयरली का आया था, और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2.78 लॉस पर शेयर था इसका। इसके पहले जो अच्छे खासे इसने डिविडेंड भी दिए हैं, बोनसेस भी दिए हैं 2 दफा, तो अच्छा परफॉर्म करता रहा है जो है इन द पास्ट, और इन फ्यूचर भी अगर हम देखें तो ये वाला लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये पैटर्न तो मुख्तलिफ बनते रहते हैं, जैसे अब यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है वीकली पे, राइजिंग वेज बनते हैं, फॉलिंग वेज बनते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं जो फॉलो करता हूँ ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन, तो जरूरी नहीं है कि राइजिंग वेज के बाद जो है मंदी आ जाए, ठीक है ना, तो उसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करें हमेशा, चाहे चाहे वो फॉलिंग वेज बन रहा हो चाहे राइजिंग वेज, तो ज्यादा जो है ना जल्दी आप जो है ट्रेड ना लें, ठीक है ना, जल्दी ट्रेड ना लें। जैसे यहाँ पे आप जैसे फॉलिंग राइजिंग वेज है, तो आपने जो है ना शॉर्ट की जो है एंट्री ले ली, वो तो ये तो अब तो बेरिश पैटर्न है, उसका पता है उसका ब्रेकआउट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो इसका भी मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये बहुत अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से आपने लेना शुरू कर दिया, ये इसके नीचे भी कोई कैंडल बनती है और उसकी कंफर्मेशन है तो ये मजीद नीचे आ सकता है,
ये 8 रुपए 81 पैसे तक, इवन 8 साढ़े 8 रुपए, 8 पौने 9 रुपए, ये यहाँ तक भी एक चैनल को यहाँ पे ये रिटेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रह के काम करें इन लेवल पे। हाँ यहाँ पे अगर आप जो ट्रेड डे ट्रेड करने वाले हैं ठीक है ना, तो उनके लिए ये लेवल बेस्ट है, 11 रुपए 3 पैसे का, 11 रुपए 12 पैसे का यहाँ पे लें और अपसाइड पे सेल करें ठीक है ना। इवन यहाँ पे भी विक बन सकती है, 10 रुपए 91 पैसे 90 पैसे, मतलब बिटवीन 11 to 12। ये यहाँ पे अभी इस वक्त डे वीकली अगर देखें तो डे ऑन डे बेसिस पे तो ये आपको 1 रुपए की मूवमेंट दिखा रहा है ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसमें इतनी ही मूवमेंट है, इतने ज्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें, स्टॉक में सिर्फ 1 रुपए की मूवमेंट है। तो देखें अभी आज जो कल न्यूज आए थे उसका इम्पैक्ट क्या होता है, और वही वीकली पे कैंडल कौन सी बनती है। अगर आज इसका इम्पैक्ट अच्छा आता है, इसको लोग पॉजिटिवली, इन्वेस्टर पॉजिटिवली लेते हैं, तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 12 रुपए 2 पैसे का ठीक है ना, 12 रुपए 2 पैसे, 12 रुपए 18 पैसे, ये यहाँ पर भी एक है रेजिस्टेंस ले, यहाँ पर लेवल है 12 रुपए 18 पैसे का। बहरहाल इस वक्त जो है ये 12 रुपए के ऊपर जो परफॉर्म, जैसे यहाँ पे वीक बनी है तो इसी की वीक को ले लें 12 रुपए 20 पैसे, इसके ऊपर अगर कैंडल बनती है और 12.84 को भी इसको ब्रेक करता है ये स्टॉक, तो ये देखें यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। आप पर देखें ना यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसका ब्रेकआउट मिला नहीं है, तो ये कि अपवर्ड चैनल है ट्रेंड लाइन का, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऑन वीक बेसिस पे देखें तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। मैं हमेशा कहता हूँ एटलीस्ट 25%, 50% जो भी है, कुछ परसेंटेज अपनी जो होल्डिंग का यहाँ पे जरूर सेल किया करें, उस प्रॉफिट को एंजॉय करें। वो अगर वापस नीचे आता है स्टॉक तो उसी को वापस बाय करने में काम आएगा ये जो आपके पास कैश इन हैंड है। तो वैसे भी आज रोल ओवर वीक है तो बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, तो अभी इस वक्त इस स्टॉक में जो है थोड़ा कॉशियस रह के काम करें, क्योंकि देखें एक तो इसने यहाँ पे एक चैनल बनाना शुरू कर दिया है डे ऑन डे बेसिस पे, वीक ऑन वीक पे भी कह सकते हैं कि सारी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल की रिस्पेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, और ये डाउनवर्ड चैनल जो है इसको भी आप इग्नोर नहीं करें ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा वही अगेन इस ब्रेकआउट पे बेचे भी नहीं बिल्कुल ठीक है, इसको वेट करें, नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन सकती है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था 100 इंडेक्स में कि यहाँ पे बेरिश बनी, नेक्स्ट बुलिश ने इसको निगेट किया और इसके बाद कंफर्मेशन हुई तो मार्केट जो है 72,000 के करीब भी चली गई। तो इसी तरह इस स्टॉक में भी हो सकता है, कोई मिरेकल हो सकता है कि यहाँ पे नहीं हो और यहाँ से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाए। तो बहरहाल ये जो मैंने आपको बताए रेजिस्टेंस एरियाज 12 रुपए का है फर्स्ट है, इसके बाद 12.84 13 रुपए और इवन यहाँ पे भी 13.31 ये आ सकता है ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद 14 रुपए 22 पैसे एक इनिशियल हर्डल आ सकता है बीच में ठीक है ना। ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से जो है ये एक ये बात 14 1481 का जो है 14.80 14.81 एक ये है, ये एक ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है ठीक है ठीक है। इसके ऊपर फिर अगेन आपको फिर वॉलेटाइल हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगा, और इसका चैनल टॉप जो है वो 19 रुपए 62 पैसे 20 रुपए 21 पैसे ये भी आपको दिखा सकता है, ये वाला जो है ये लेवल और इवन ये लेवल, ये दोनों लेवल जो है आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, 19.50 से लेके 20.16 तक ये दिखा सकता है। बल्कि इसकी हम नेकलाइन ले लें ये वाला ठीक है ना, 19.18 से लेके 20.16 तक, फिर अगेन ये एक और ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगी, फिर उसके बाद अगेन नए टारगेट्स आएंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।